हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको पाठ विदाई संभाषण के कुछ प्रश्नोत्तर बता रही हूँ जो किसी गद्यांश में से आपको करने के लिए आ जाते हैं। आज का पहला गद्यांश है, विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। यह समय कैसा होता है इसमें लेखक ने बताया है। आज मैं आपको केवल इसके प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यह पाठ है विदाई संभाषण और इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। दूसरा प्रश्न आता है, लेखक किसे संबोधित कर रहा है, उसे किसकी विदाई पर दुख है और क्यों। इसमें लेखक ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित कर रहा है, उसे लॉर्ड कर्जन की भारत से विदाई पर दुख है, लेकिन और भी अधिक दुख इस बात पर है कि उसने अच्छे काम नहीं किए बल्कि अपने शासनकाल में बुरे काम किए। तीसरा प्रश्न है, भारतवासी दूसरी बार किसे आने नहीं देना चाहते और क्यों। भारतवासी लॉर्ड कर्जन को दूसरी बार भारत के वायसराय के रूप में आने देना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उन्होंने मनमाना शासन चलाया था, मनमाना राजकाज चलाया था, जिससे भारतीय जनता उनसे दुखी थी। चौथा प्रश्न आ जाता है, बिछुड़न समय को पवित्र, निर्मल और शांत क्यों कहा गया है। बिछुड़न समय में मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस समय पर हम दुख, कष्ट, अन्याय, पाप आदि सब भूल जाते हैं। खासकर भारत के लोगों की ये विशेषता होती है, इसलिए बिछुड़न समय को पवित्र, निर्मल और शांत बताया है। पांचवा प्रश्न है, भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय हर्ष की बजाय विषाद क्यों हो रहा है। भारतवासी लॉर्ड कर्जन के शासन से दुखी थे, इसलिए उनको उनकी विदाई पर हर्ष होना चाहिए था, लेकिन बिछुड़न का समय ही ऐसा है, इसलिए उन्हें हर्ष होने की बजाय दुख हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की विदाई हो रही है और भारतीयों की भावनाएं ही ऐसी होती हैं कि वो विदाई के समय उनकी सद्भावनाएं अंकुरित होने लग जाती हैं, उनके भीतर सद्भावनाएं आ जाती हैं, अच्छी भावना उनके अंदर आ जाती है। भारत के लोगों की संस्कृति की ये खास बात लेखक ने बताई है कि जब कोई बिछड़ता है तो उसके प्रति हमारे मन में अच्छी भावनाएँ आ जाती हैं। यह गद्यांश मैंने आज आपको बताया है। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं या आपको गद्यांश समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको यह गद्यांश फिर से समझा दूंगी। थैंक यू।